और आज उनके शख्सियत और उनके कार्य शैली जो रहा है उसके ऊपर भारत सरकार ने आज बंदी का दिन सारे कार्यालय का घोषित किया गया है। तो आप समझ सकते हैं कि बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब किस तरह के हस्ती थे, और सेकंड अम्बेडकर के रूप में, सेकंड भीमराव अम्बेडकर जी के रूप में अपने स्वर्गीय भाई जो फाउंडर रहे हैं लोजपा के, उनको भी दर्जा देने के लिए प्रधानमंत्री और बिहार के मुख्यमंत्री जी से मांग करने का मांग किया है उन्होंने। जाएंगे हम लोग सीएम से टाइम भी लेंगे, मिलेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से। अच्छा, संविधान बचाओ देश बचाओ के बैनर तले वो कार्यक्रम आयोजित कर रहा है, क्या लगता है कि संविधान खत्म है क्या? खत्म है? नहीं, खतरे में तो नहीं है, कहा है संविधान बचाने और देश बचाने की बात कर रहा है। कोई संविधान देश का खतरे में नहीं है, अगर खतरे में होता है और कोई प्रश्नवाचक चिन्ह अगर रहता, इतने इतने लोगों पर रोज संविधान के तहत कार्रवाई हो रही है, किसी को फांसी हो रहा है, किसी को सजा हो रहा है, कोई बाहर जा रहा है, कोई अंदर जा रहा है, तो संविधान के तहत ना हो रहा है। संविधान का निर्माण किसने किया? बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर साहब ने किया। और पूछिए, हाजीपुर रेलवे स्टेशन को रामविलास पासवान जी के नाम पर मांग की है चिराग पासवान ने रेल मंत्री से, क्या कहना है? हाजीपुर जंक्शन का नाम अगर बदलने के लिए उनके तरफ से आया है, इस बात पे हम विरोध इसलिए नहीं करेंगे कि रामविलास पासवान जी ने पूरा जीवन अपना वैशाली को दे दिया है, इसलिए राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी के तरफ से भी समर्थन होगा। और अगर ऐसा होता है उनके नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलाव, तो राष्ट्रीय लोक जनशक्ति पार्टी को बहुत खुशी होगी, अच्छा बात है, अच्छा सोचा है। आप भी उनके साथ जाकर डिमांड करेंगे क्या इस चीज को मांग के लिए? रामविलास जी के नाम पे वो हमारे अध्यक्ष और फाउंडर रहे हैं, उनके नाम पर डिमांड करने में क्या शर्म है, क्या दिक्कत है? बोलने लायक है सार्वजनिक और अच्छा बात है, इस पर बोला जा सकता है। क्या आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री पशुपति पारस जी मांग करेंगे? बहुत तो ऐसा बात है, वो बड़े साहब के लिए बड़े भैया के नाम पर अगर मांग किया जाएगा या किसी की इच्छा होगी तो वो इच्छा पूरा होगा। ऐसे भी कितने जंक्शन, कितने स्टेशन का नाम बदला गया है कि नहीं, वो भी भारत के बड़े हस्ती के रूप में जाने जाते थे, उनके लिए भी अगर एक स्टेशन का नाम बदलाव अगर करने का प्रस्ताव जाता है भारत के रेल मंत्री और प्रधानमंत्री जी के यहाँ, तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी के माध्यम से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के माध्यम से उनके नाम पर हाजीपुर जंक्शन का नाम बदलाव करने का प्रयास करेंगे। रेल मंत्री से मिले हैं, क्या लगता है कि जो ये नाम है चेंज करने का वो स्वीकृति मिलेगी? कौन मिले हैं? चिराग पासवान मिले हैं, इसलिए अभी कहा मिले हैं हमको इतना पता नहीं है, लेकिन आप लोग की तरफ से जो प्रस्ताव आया उसमें जवाब दिए कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के नाम पे अगर ऐसा विचार या ऐसी सहमति बनती है तो इस संबंध में भारत के जो रेल मंत्री है पीयूष गोयल जी, बदल लगे अश्विनी वैष्णव जी, जिनको की अलाउड भी हुआ है 18 जनवरी है ना, उनसे मिला जाएगा। चिराग पासवान भी आज अम्बेडकर जयंती मना रहे हैं, कोई भी मना सकते हैं अम्बेडकर जयंती, चिराग पासवान ने क्या आरजेडी में भी मना होगा, जीतनराम मांझी भी मना रहे हैं, जदयू में भी मना होगा, तो चिराग जी के बारे में स्पेसिफिक काहे बोलने जाए भाई, भारत के संविधान बनाने वाले निर्माता थे, उनके फील्ड नहीं मिला, मिले रस्तून का फील्ड मांगे थे जो जदयू कार्यालय के बगल है ना, अरे उनको कुछ भी नहीं मिलेगा जब हाजीपुर में हो गया सीट नहीं मिला ऐलान करने के बाद। आपका केंद्रीय मंत्री का खट जाएगा, ज्यादा बोलिएगा तो फिर आपका ज्यादा चलेगा, उनका कम चलेगा। ना ना हम नहीं बोलेंगे भाई, आप पहले बोलिएगा, चला देगा सब।